से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सेक्शन 128 ए को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। तो आज की इस वीडियो में सेक्शन 128 ए जो अभी अभी बजट के थ्रू आया है उसे डिस्कस करेंगे। तो सर ये सेक्शन 128 है क्या, पहले इस चीज को समझो, ये सेक्शन 128 क्या है? ये एक तरीके से एमनेस्टी स्कीम है। हाँ जी, ये एक बार के लिए एमनेस्टी स्कीम है। ये एमनेस्टी स्कीम क्या कहती है कि भैया इस बात को समझो, वेवर ऑफ, इसका टाइटल पढ़ना, सेक्शन 128 का टाइटल पढ़ना वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी, कि भाई हम इंटरेस्ट भी वेव ऑफ कर देंगे, पेनल्टी भी वेव ऑफ कर देंगे, या हम दोनों ही वेव ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 73 फॉर सर्टेन टैक्स पीरियड। तो यहां पर इन्होंने सेक्शन की हेडिंग में क्लियर लिखा हुआ है कि भैया ये सिर्फ सेक्शन 73 के लिए है और फॉर सर्टेन पीरियड के लिए है। तो जिन लोगों के नोटिस, जिन लोगों के ऑर्डर सेक्शन 74 में आए हुए हैं, ये वाला सेक्शन उसके लिए बेनिफिट नहीं देगा। अरे नहीं सर, यहां पर तो एक जगह 74 भी लिखा है। नहीं भैया, इस बात को समझो, इन्होंने क्या लिखा है इस सेक्शन में, अगर आपको कोई नोटिस या ऑर्डर सेक्शन 74 में आया था और आप अपील में जाकर, ठीक है ना, उस वाले नोटिस या ऑर्डर को 73 में कन्वर्ट करा देते हो तब आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ये पूरा का पूरा सेक्शन किसके लिए है, सेक्शन 73 के लिए। तो भैया सेक्शन 73 का बेनिफिट, जो सेक्शन 73 में नोटिस आए हैं उसका जो बेनिफिट है वो सेक्शन 128 में मिलेगा। क्या कहता है कि भैया अगर आपको नोटिस आया हुआ है और आपको ऑर्डर अभी इशू नहीं हुआ, और अगर उस नोटिस के अंदर आपके ऊपर टैक्स लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है और पेनल्टी लगाई है, तो भैया इस बात को समझ लो, इंटरेस्ट और पेनल्टी हम वेव ऑफ कर देंगे, आपको टैक्स पूरा देना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पर जो नोटिस के अंदर टैक्स होगा वो पूरा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस बात को समझना कि इस वाले सेक्शन में एक लूपहोल क्या है। हुआ क्या, मेरे को नोटिस आया, नोटिस में लेट सपोज 1 लाख रुपए का, नोटिस में लेट सपोज करो 1 लाख रुपए का टैक्स 17-5 में इन्होंने नोटिस भेजा, एक इन्होंने मुझे लेट सपोज करो बोकस ITC का नोटिस भेजा 1 लाख का। अब यहां पर इस बात को समझना, और मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाया लेट सपोज 2 लाख का, पेनल्टी लगाई 50,000 की। अब मैं ये चाहता हूं कि भैया मेरे को इंटरेस्ट और पेनल्टी आप माफ कर दो, तो मुझे ये 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। सर अच्छा ये बताओ, मैंने तो GST ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया कि भैया ये 1 लाख रुपए के ITC के लिए मैं एलिजिबल हूं, और मेरा असेसिंग ऑफिसर मान भी गया, तो सर क्या इस वाले केस में भी मेरे को 2 लाख रुपए टैक्स जमा करना पड़ेगा इस सेक्शन का रिलीफ लेने के लिए? तो आंसर इज यस। अगर आप लॉ की लैंग्वेज पर जाओगे, अगर आप लॉ की लैंग्वेज पर जाओगे तो यहां पर यह लिखा हुआ है, जितना भी नोटिस के अंदर टैक्स होगा अगर आप फुल अमाउंट पे करते हो तभी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर यह बात बड़ी समझने वाली है कि लेट सपोज करो तुम्हारा एक मैटर था जिसमें 4 लाख रुपए का टैक्स था, और उसी नोटिस में दूसरा मैटर था जो 1 लाख रुपए का था, और 4 लाख रुपए का मैटर तुम्हें यह लगता है कि अगर तुम फाइट करोगे तो तुम जीत जाओगे, तो भैया ऐसे वाले केस में क्या तुम अपने 2.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में क्या गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए फालतू दोगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, मेरे हिसाब से नहीं दोगे। तो ऐसे केसेस में मेरा सजेशन ये रहेगा, सेक्शन 128 ए का बेनिफिट ना ले, पहले केस को फाइट करें, और उसके बाद जब ये वाला आपके फेवर में आ जाए तब उसके बाद सेक्शन 128 ए का बेनिफिट ले। ठीक है सर, ये कौन कौन से पीरियड के लिए? भाई ये 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो भी नोटिस आ गए। सर हमने तो नोटिस का रिप्लाई करा था और हमारे को तो ऑर्डर पास हो गया, तो भैया अगर तुम्हारे को ऑर्डर पास हो गया तब तुम इसका बेनिफिट ले सकते हो। सर मेरे को तो ऑर्डर पास हो गया था, मैं अपील में चला गया, ठीक है ना, और मैं अपील में चला गया, सर अपील में भी हार गया, तो क्या मैं अब भी इसका बेनिफिट ले सकता हूँ? आंसर इज यस, तुम इसका बेनिफिट अब भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो आपको कब इसका बेनिफिट लेना है,
कब इसका बेनिफिट नहीं लेना, ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपका सेक्शन 74 का नोटिस है और अगर वो बाद में कन्वर्ट होकर 73 में हो जाता है तो तब आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमने हाई कोर्ट में कोई रिट पिटीशन डाल रखी है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो पहले आपको वो विथड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर इस बात को आपको लिख कर देना पड़ेगा कि भैया इस बात को समझ लो कि आप आगे कोई अपील फाइल नहीं करोगे, तभी आप इसका बेनिफिट लोगे। तो ये सेक्शन 128 ए के बारे में पूरी डिटेल थी, इसका होगा हम अपनी मैगजीन में भी करेंगे और सेशन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और अगर आपकी अभी तक मैगजीन एक्सपायर हो रखी है तो आप अपनी मैगजीन को रिन्यू करा लें, जिससे कि आप ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।